बस बहुत हो गया, चीन का कोरोना से मुतालिक इल्जामात पर अमेरिका पर जवाबी हमला। आप दुनिया के लिए पहले ही बहुत मसाइल पैदा कर चुके हैं। चीनी मंदूब जोंग जिन का सलामती काउंसिल के इजलास में धुआंधार खिताब, कहा अमेरिका मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और ये इसके जागने का वक्त है। सलामती काउंसिल के आलमी गवर्नेंस के हवाले से इजलास से खिताब में योंग जिन ने कहा कि मैं ये कहूंगा कि बस बहुत हो गया, आप दुनिया के लिए पहले ही बहुत मसाइल पैदा कर चुके हैं। योंग जिन ने सवाल किया कि अमेरिका में कोरोना के तकरीबन 70 लाख मुसद्दका केसेस और 2 लाख से ज्यादा अमवात सामने आ चुके हैं। दुनिया की सबसे जदीद तिबी टेक्नोलॉजी और निजाम के बावजूद अमरीका में इतनी बड़ी तादाद में केसेस और अमवात क्यों सामने आए? उन्होंने कहा कि अगर किसी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तो वो अमरीका के चंद सियासतदान होंगे। चीन के लिए अमरीकी रहनुमाओं के जुमले को दोहराते हुए उनका कहना था कि अमरीका को ये समझना चाहिए कि बड़ी ताकत को बड़ी ताकत की तरह बर्ताव भी करना चाहिए। चीन के सफीर ने कहा कि अमरीका मुकम्मल तौर पर तन्हा हो चुका है और ये इसके लिए जागने का वक्त है। उनके इस बयान की रूसी सफीर ने भी जज्बाती अंदाज में हिमायत की। नाइजीरिया के सदर की सदारत में होने वाले इजलास में अक्वामे मुत्तहिदा के लिए अमरीकी सफीर कैली क्राफ्ट ने इजलास के लहजे पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप सबको शर्म आनी चाहिए, मैं हैरान हूं और मुझे आज के इजलास के मवाद से नफरत है। उन्होंने कहा कि मुझे दरअसल इस काउंसिल के लिए शर्म आ रही है जिसके अराकीन ने इस मौके को अहम मसाइल की बजाय सियासी दुश्मनी पर तवज्जो देने के लिए इस्तेमाल किया।